हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूं आपका भाई हर्ष कहार और आज है 12th of July और मैं हूं अभी वडोदरा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं वडोदरा का यूनिक स्ट्रीट फूड। हमने बहुत टाइप्स के वड़ा पाव खाए, जैसे कि चीज़ वड़ा पाव, बटर वड़ा पाव, मसाला वड़ा पाव, बट वडोदरा में एक जगह है जहाँ पर रसे वाला वड़ा पाव मिलता है। ये मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला है कि वडोदरा में एक ऐसी भी जगह पर जहाँ पर रसे वाला वड़ा पाव मिलता है, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने ये ऐसा कुछ वड़ा पाव टेस्ट नहीं किया है। ये अभी मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ और इतनी इनोवेटिव चीज़ वडोदरा में मिल रही है तो आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है, इसलिए ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो, वहाँ पर पहले चलते हैं। आज वडोदरा में हैवी रेनफॉल है और वडोदरा कलेक्टर ने आज ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया हैवी रेनफॉल के लिए, बट रेनफॉल और ये सारी चीज़ें हमको आपके लिए वीडियो बनाने के लिए नहीं रोक सकती, इसलिए हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए निकल गए फिर से। सकते हो, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये जय जलाराम नाश्ता हाउस लिखा है ना, वो अभी बारिश बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर वेट करूँगा कार में ही और जैसे बारिश थोड़ी कम होती है फिर हम अंदर चलते हैं उनके पास। The next morning. So friends, आप सोच रहे होंगे कि अचानक से नेक्स्ट डे कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली जब हम कल यहाँ पर आए थे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हमने वेट भी किया आधा एक घंटा बारिश रुकने के लिए, बट बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ये भैया भी अपना बारिश की वजह से स्टॉल बंद कर रहे थे, तो इसलिए अभी हमको यहाँ पर नेक्स्ट डे आना पड़ा। बट फाइनली अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं सुबह में, तो चलो अब जल्दी से टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का एड्रेस बता दूँ, आप मेरे सामने देख सकते हो, ये है बड़ोड़ा डेयरी का मेन गेट और के कंटेनर वाला सर्कल है वो बड़ोड़ा डेयरी सर्कल, और ये वाला रास्ता है जो तरसाली बाईपास है, सीधा तरसाली को जाता है, उसी के सामने यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का जलाराम नाश्ता हाउस है। बन के अंदर इस तरह का वड़ा जैसी पोटैटो की स्टफिंग की गई है और पूरे बन को ही अंदर बेसन का जो बैटर होता है उसके अंदर डिप करके तेल में पूरे बन को ही फ्राई किया जाता है। भैया का मेन जो इंग्रेडिएंट है जिसके लिए हम यहाँ पर आए, स्पेशल रसा वाला वड़ा पाव, वो रसा डाला जा रहा है आप देख। तो बेसिकली ये जो सेवसड़ वाला उसड़ होता है वो वही है। यहाँ पर इस तरह का कचुंबर सर्व किया जाता है इसके साथ और ये इनका कचुंबर बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हो कचुंबर में क्या है, बीट है, कैरेट्स है और कैबेज है और अनियंस है, और उसके ऊपर से ये जो रेड कलर का जो वडोदरा का स्पेशल चाट मसाला होता है वो डाला हुआ है। बेसिकली ये पहले नीचे वड़ा पाव है, मीन्स मैंने आपको इसके पहले जो क्लिप्स में दिखाया उसको फ्राई किया हुआ ये बन है, उसके ऊपर इन्होंने यही वाला कचुंबर डाला हुआ है, उसके ऊपर ग्रीन चटनी, रेड चटनी और उसके बाद ऊपर दही डाला हुआ है और इस तरह की सेव है और ये रसा है। सचमुच फ्रेंड्स, मैंने इस लेवल का टेस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, सही में बहुत अच्छा टेस्ट है। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट है ना इसके ये रसा है ना, जो उसड़ का उसड़, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह का उसड़ का टेस्ट पूरे वडोदरा में मैंने आज तक कहीं नहीं चखा। दूसरे जगह होते हैं पर उसमें क्या होता है कि स्पाइसीज और वो जो रसे का उसड़ का थिकनेस होता है ना वो कम होता है। और सेकंड चीज़, ये सोने पे सुहागा का क्या कर रहा है कि ये जो अंदर जो बन किया है, बन को ऐसा फ्राई किया गया है ऐसा स्टफिंग करके और उसको रसे के साथ, तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, बहुत अच्छा लगता है। कचुंबर भी बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है, उसके साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठना है, और ऊपर सेव और ऊपर से दही और इनके जितने भी अलग अलग चटनी डाली हुई थी इन्होंने, वो सारा टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस आ रहा है। आप जगह पे मत जाओ, 100% गारंटी के साथ बोलूँगा कि फ्रेंड्स, अगर आप एक बार यहाँ का टेस्ट ट्राई करोगे ना, आपको इसके बाद कुछ और अच्छा नहीं लगने वाला है, आप यहाँ पर आओगे। मैं खुद अभी पर्सनली फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, बट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा
कि अब मैं वीक में एक दो बार तो यहाँ पर आया ही करूँगा। सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें एक डिश में आपको चार पांच अलग अलग फ्लेवर मिलेंगे। तो सेव उसड़ का भी फ्लेवर आता है क्योंकि उसड़ है और सेव है, तो वो दो फ्लेवर आता है। वड़ा पाव और बन का भी एक फ्लेवर आता है, दही का भी फ्लेवर आता है, और अलग अलग इनकी जो सॉसेस है मतलब जो चटनी है उसका फ्लेवर आता है, बनाया हुआ जो सलाड है उसका टेस्ट आता है। तो मैं इस डिश को 10/10 दूंगा फ्रेंड्स। सही में बहुत अच्छी है। मैंने इस लेवल का टेस्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्राइस है 40 रुपीज़, बट सही में इसकी क्वांटिटी और इसके टेस्ट के हिसाब से ये 100% प्राइस वर्थी है। और फ्रेंड्स अभी हेमराज कैमरे के पीछे है, अभी उसके गौरी व्रत चल रहे हैं इसलिए अभी उसको नहीं मिलने वाला है, और वो सिर्फ मेरा मुंह तक रही है कब से खाते हुए मुझे देख रही है। कोई नहीं, जब व्रत खत्म हो गया ना इसका बदला लेने आएगा। सो फ्रेंड्स फाइनली अभी हमने इसको फिनिश किया। मुझसे तो नहीं खाया जा रहा था, लास्ट में एक दो पीस और बच गए थे, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इसको फिनिश किया। और 40 रुपीज़ के प्राइस रेंज में इसकी क्वांटिटी, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट कॉलेज के लड़कों के लिए, और जॉब्स वाले होते हैं उनके लिए तो परफेक्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। अगर आप ये एक बार खा लो और फिर पूरा दिन आप कुछ ना खाओ तो चलेगा, क्योंकि बहुत हैवी है। मैं खुद बहुत ज़्यादा फूल हो गया हूँ। इनसे अंकल बता रहे थे कि ये अंकल यहाँ पर पिछले 8-9 साल से ये चीज़ यहाँ पर सेल कर रहे हैं, और मेरा घर भी यहाँ पास में ही है। और पर आज तक मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, अभी मुझे एक दो दिन पहले ही इस फूड आइटम के बारे में पता चला है। तो आप सोचो वडोदरा में कई लोग हैं जिसको इस फूड आइटम के बारे में पता नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी यहाँ पर आओ, इसको टेस्ट करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको ये फूड आइटम अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो, ताकि सभी लोगों को इस फूड आइटम के बारे में पता चले, क्योंकि ये चीज़ डिजर्व करती है फेमस होना। सही में बहुत बढ़िया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, और ये नई फूड आइटम आपके फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे हेमराज का मुँह देख के आज बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है। सही में मैं 3 दिन बाद यहाँ पर खाने आने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं पूछ के खाऊंगी, बहुत सारा खाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले ऐसी किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।